भी चली जाए तो मतलब वो ये जो है ना, इसलिए वीरों का धर्म होता है ये कोई कायरों का नहीं है, जो छोटी छोटी चिंताओं में अपने अटके पड़े हैं, वो क्या करेंगे ऐसे महान काम। क्या राज्य संपदा छोड़ना, ये सब छोड़ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग थे तो ऐसे यहाँ तो लोगों से छोटी छोटी चीजें जुड़ती। अपन एक मंदिर के लिए किसी को कह दो कि भैया वहां 2 रुपए का लालच छोड़ के मंदिर के पास घर ले लें, तो नहीं छूटता लोग कैसे ले, ये इतने सस्ते मिल रहे हैं, नौकरी नहीं छूटती लोगों से, धर्म छूट जाए भले, मंदिर छूट जाए, सब छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। लाइफ में कौन ऐसे लोग जो है अपनी उन सुख मतलब उनकी इतनी परवाह है कि ये चीज के लिए उनको वो इस धर्म के लिए मतलब उसका त्याग करने को तैयार नहीं, सीधी सी बात, धन छोड़ने को तैयार है ना, सुख सुविधाएं छोड़ने को तैयार, इंद्रिय विषयों की वो उससे दबाव हो कि छोड़ दो, कंफर्ट कैसे छोड़ दो। विधान में आना है, सुबह सुबह आना पड़ेगा, कैसे छोड़ दूं, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, पूछा वही लोगों को ऐसे ही है। क्या क्या हो जाएगा कितना लोगों की जिंदगी, क्या हो जाएगा, भूखे मर जाओगे तुम, यदि तुमने धर्म करने लग जाओगे तो भूखे मर जाओगे। जो लाइफ को अपने हाथ पे लेके नहीं चल सकता, कुछ नहीं कर सकता, और धर्म के लिए तुमको छुड़वाने के लिए तो हम तुमसे फिर लौकिक चीज को थोड़ी कह रहे हैं, तुम करो इसको, जीवन को दांव लगा के इस पे कर लो, क्या मिलेगा, यही सुख मिलेगा, और कोई दांव लगाने का मतलब कोई नहीं है तुम्हारे, जो जो अंदर की जो गुलामी है उसको छुड़वा रहे हैं कि अंदर अंदर से सेफ्टी नेट से बाहर निकलो, जो अपने सेफ्टी नेट बनाना, ये सब चीजें तो होना इससे कुछ नहीं अटके, सुख सुविधाओं के बीच में रहता हुआ, सुख सुविधाएं जो है ना आदमी को गुलाम बनाए थे, छोड़ने में असमर्थ हो जाता है, जिस जिसके आपने अपने आप को आदत डाल दी, आप खुद परेशान है, शरीर को आपने गुलाम बना रखा चीजों का, शरीर को बिल्कुल एकदम ऐसा रखो कि बिल्कुल कस के, तो वो जितना शरीर का शोषण शोषण तो सुख को शोषण पोषण तो दुर्दोष करे, शोषण सुख होता है, और हम उल्टा करते हैं, शोषण है हाँ, शोषण तो दुर्दोष करे अति पोषण सुख उपजा, सज्जन देह स्वभाव बढ़ावे, अज्ञानी प्रीति है मूर्ख प्रीति नहीं बढ़ावे, बोले कि अज्ञानी प्रीति छोड़े, ज्ञानी प्रीति छोड़, अज्ञानी प्रीति छोड़े, ऐसा लगता है अरे ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। मतलब आपको लोगों जो मंदिर में दर्शन कर रहे हैं ना, एक आदमी अभी बता रहा उसकी कहानी कि वो बिल्कुल रोज मंदिर में पूजन पाठ कर रहा है, अच्छा खासा घर है, और वो बोल रहा है कि नहीं यार मेरे को बिना 100-150 करोड़ रुपए की हवेली बनानी है, तो मैं कोई दूर जाके रहूंगा जहाँ स्विमिंग पूल भी होगा, ये भी होगा, मैंने सुन के ना माथा खराब, क्या बात कर रहे हैं आदमी की कॉपी का चाहिए। बोले उसके बच्चे ने कही बाबा अपने को इस मकान में, या ये अब बहुत छोटी जगह हो गई है, तो अब मेरे दोस्त जो से मेरे को कहीं दूर बहुत बड़ी कोठी, पिताजी वही मंदिर में आ रहे हैं, मैंने मैंने कहा यार ये मंदिर में आती क्या, इनको मंदिर का रस नहीं लगा क्या, जिसको मंदिर का रस लग जाए वो कहें कि मेरे को 3 लोग की संपत्ति भी दे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, ये क्या हो गया इसका। मेरे बच्चे ने कही, बच्चे समझा ना, बच्चे तो कह रहे हैं बच्चे क्या अक्कल, तो मैंने कहा बापू को यही नहीं मालूम है, बापू को अपनी अक्कल पे भरोसा नहीं, बच्चे की अक्कल पे भरोसा। और कुछ नहीं देखे आ रहे सब, देख दुखा के फिर बैठ गया, बोले यार तो बहुत महंगी हो गई है, कुछ नहीं हाँ चित्त में तो कर ही लिया ना, तो सारी सारी व्यवस्था तो
मैं जिसकी कह रहा हूँ वो भी ऐसी एक बहुत पैसा एकदम अच्छा तक आ गया उछल गया और मैंने कहा मेरे को बड़ी वो एकदम विरक्ति हुई। मैंने कहा यार ये आदमी को अपन क्या समझ रहे थे कि रोज मतलब पूजन पाठ करने आए, ये पूजन पाठ को अपने एक बच्चे के कहने पे छोड़ने को तैयार है, तो इसको तीन लोग के नाथ की क्या कीमत, पुत्र मोह और कछु नहीं झांकी बाजी कहेंगे, मेरे कुछ दम नहीं इसमें। थोड़ा सा तथ्य से विचार करो ना तात्विक, तो आपको लगेगा कि लोग की जो ये लो क्लास है ये लार के समान है, कोई सार नहीं। जो सुख अपने को एकांत में आता है वो जगत में लोगों के साथ मिट के आपको कभी तीन ताल नहीं आ सकता। किस चीज में लटके पड़े हैं, क्या है ये, कौन लोग में क्या है, कितना बड़ा जंजाल। मैंने कहा जंजाल चलो वो तो लौकिक दृष्टि से भी विचार करो, जंजाल कितना बड़ा आदमी संभालने के लिए खड़ा हो गया है। अकल का वो आदमी 60 साल का ऊपर 50 माह के ऊपर का हो, 55 50 55 के ऊपर हो गया, थोड़ा वो कह रहा कि मेरे को तो ये हो जाना, अकल खराब हो गई कि नहीं होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि क्या करो। तो कह रहे हैं इसलिए कि समर के कारण विचार था मैं करूंगा मैं करूंगा, करना कुछ है नहीं। जो पुरुष पहले कहे अनुसार संबल के कारणों को विचारता हुआ भी आचरण नहीं करता, तो आचरण नहीं करता तो उसका भामंडल जैसा, भामंडल की पड़ी होगी ना, मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा मैं मुनि बन जाऊंगा मैं बन जाऊंगा, ऊपर बिजली गिरी और साफ मर गए, तो थोड़ा आहार दान दे रखा था फिर आज को तो बहुत पूर्ण पैदा हुआ, तो दुर्गति होती बोला बस ये सब स्त्रियों को छोड़ दूंगा नहीं तो मैं चले जाऊंगा, तुम्हें चाहिए स्त्रियों का क्या होगा, ये मुरझा जाएगी स्त्री रूपी कमलों का वन मुरझा जाएगा, खुद ही मुरझा गया होगा उनके चक्कर में। उसमें लिखा शास्त्रों जो पुरुष पहले कहे अनुसार संभल के कारणों को विचारता हुआ भी आचरण नहीं करता है, सो वह दुखों से तपता है वहां होकर बहुत समय तक संसार में भ्रमण करता है, बहुत लंबे काल तक चिरकाल तक। अब कहते हैं कि संवर कैसे पुरुष के होता है, जो पूर्ण विषय विरक्तो अपानं संवदा विसंवरै मनहर विषयै अन्तो तस्य पूर्णं संवरो होति होगा संवर, कर्म भी आएंगे उनके जो पुनः विषय से विरक्त है, विषयों से विरक्त है जिनका चित्त, और अपानम अपनी आत्मा का सदा संवर ही संवर करते हैं, रोकते हैं विषयों से उनका चित्त नहीं जाता। किनमें मनहर विषय, तो जो मन को हड़ने लाले मन को अच्छे लगने वाले जो विषय है उन विषयों से भी जो अपने आत्मा को संवरित करते हैं रोके रखते हैं उनको उपयोग को नहीं जानते। संवर मने उस संवर करते मैंने अपने को रोकते संवरण करते से मन को अच्छे लगने वाले विषयों से, जो ऐसे विषय विरक्त है तस्फुट संवर होती उनके प्रकट रूप से संवर होता है। जो मुनि इंद्रियों के विषयों से विरक्त होता हुआ मन को प्रिय लगने वाले विषयों से आत्मा को सदाकाल हमेशा संवर रूप करता है उसके प्रकट रूप से संवर होता है, उसके कर्म पार्श्व होता है। इंद्रिय तथा मन को विषयों से रोक कर अपने शुद्ध स्वरूप में रमण करा दे, अपने आत्म स्वरूप में रमण करा दे। इंद्रिय मन से ही तो अलग होना है, उससे अपने उपयोग को हटाए और अपने जिसकी प्राप्ति करना है उसमें उपयोग को लगा दे तो उसके संभव होता है। गुप्ति समिति वृष भावना जयन परिषदा चारित धारे संकट जी सोपनी संवरदा। गुप्ति समिति और वृष माने धर्म और भावना माने अनुप्रेक्षा और परिषद का जयन परिषद जय और चारित्र इनको जो धारे संगत जी माने परिग्रह का त्याग करके जो मुनि परिग्रह का त्याग करके इन सबको धारण करे सो संवर धार, तो किसको धारण करता है संवर को धारण करता है संवर को प्राप्त कर लेता है। इति संवर अनुप्रेक्षा समाप्त। इस प्रकार से संवर अनुप्रेक्षा वृष माने धर्म
दस धर्म, ब्रश का अर्थ ही धर्म होता है, हिंदी अर्थ ब्रश का धर्म भी होता है, तो भावना होने अनुपेक्षा। और सामने